नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, एमडीएच ग्रुप के मालिक का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ए धर्मपाल गुलाटी, बी बनवारी गुलाटी, सी अभय गुलाटी या डी रसिकलाल गुलाटी। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर नगर निगम में चल रहा सह और मात का खेल। भागलपुर नगर निगम में महापौर और उप महापौर के कार्यप्रणाली से नाराज पार्षदों के द्वारा दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अधिकारियों को दिए गए आवेदन के खिलाफ उप महापौर और महापौर के समर्थन में पार्षद लामबंद होते दिख रहे हैं। सह और मात के इस खेल में डेढ़ दर्जन से अधिक पार्षद उप महापौर राजेश वर्मा के आवास पर जमा हुए और मजबूती से सीमा शाह और उप महापौर राजेश वर्मा को समर्थन देने की बात कही। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले कई पार्षद भी मौजूद थे। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हस्ताक्षर करने वाली पार्षद कल्पना देवी ने कहा कि उन्हें भ्रम में रखकर बैठक के लिए हस्ताक्षर करवाया गया था, साथ ही उन्होंने बड़े जनप्रतिनिधि के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के लिए दबाव बनाए जाने की भी बात कही। साथ ही कल्पना देवी ने मेयर और उप मेयर के समर्थन में रहने की बात कही। क्या लगता है ये लगातार दूसरी दफा ऐसा हो रहा है नगर निगम में इस तरह की लगातार हो रही है? ये अफसर का मामला है कि अफसर काम नहीं कर रही है और उससे आक्रोश मेरे जनप्रतिनिधि हैं जो पार्षद जो कि शहर में काम नहीं दिख रहा है, जैसे डस्टबिन टूटा हुआ है, ये सब थोड़ा सा छोटा छोटा काम के लिए मैडम को काम करने नहीं चाहती, एग्रीमेंट करने नहीं चाहती, इससे आक्रोश है और कुछ आक्रोश नहीं। क्या लगता है पर्दे के पीछे कुछ राजनीति हो रही है? अब ये तो पेपर के माध्यम से देखे कि आज यहाँ शहर के विधायक जो इसमें दिए थे तो हमको नहीं लगता ऐसा देना चाहिए, क्योंकि सम्मानित विधायक हैं और कह रहे हैं कि मेयर को काम नहीं कर रही है। हमने तो सारे पार्षद एक करके धरना प्रदर्शन और यहाँ तक नहीं पटना तक नहीं, तो पार्षद इसका मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैं इसके पीछे की वजह समझता हूँ मेरा विधानसभा चुनाव लड़ना, और यही एक मुख्य वजह है जिसके बाद जो है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, नगर विधायक, भागलपुर नगर निगम के पूर्व जनप्रतिनिधि सभी लोग एकमत होकर जो है और विश्वास प्रस्ताव जो है पारित करने के पीछे लगे हैं। तो इसमें वो अपनी ताकत लगाएं, जो उनको ठीक लगता है, जो उनको उचित लगता है वो करें, कोई आपत्ति नहीं है। इससे वो कुर्सी को हिलाने की या गिराने की कवायदों में भले सफल हो सकते हैं लेकिन मनोबल को गिराने में वो सफल कभी नहीं हो पाएंगे। क्या लगता है कि अभी जो हम लोगों ने बहुत सारे नाम देखे थे, जो 28 पार्षद का लिस्ट है, उसमें से बहुत सारे लोग आपके पास भी है? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि कई पार्षदों के पास दबाव देकर, सांसद महोदय के द्वारा कॉल कर उनको यहाँ पर किसी और उनके रिलेटिव से फ़ोन कराकर सब चारों तरफ से उनको दबाव डलाया जा रहा है पार्षदों को। देखिए, बहुत दिन से बैठक नहीं हो रहा था निगम में, तो मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मेरे घर में कुछ ऐसा उन्होंने घटना हो गया था, इलाज में भी थे, तो हमको बुलाया गया था कि देखिए बैठक नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा दबाव डालेंगे, ऐसा कुछ करना नहीं है, तो बैठक जल्दी होना चाहिए कि नहीं, कम्बल नहीं मिल रहा है, आए दिन कोई काम नहीं हो रहा, रोड पर डस्टबिन टूट के फेंका हुआ रहता है, तो हम बोले हाँ बैठक होना चाहिए, तो बैठक के माध्यम से बुलाए, हम ज़्यादा समय दे पाए तो हम गए, हम कहे कि क्या करना, तो साइन करना, हम पढ़े नहीं और साइन कर दिए, लेकिन हमको मेयर और ड्यूटी मेयर से कभी नहीं दिक्कत रहा है, नहीं कोई त्रुटि रहा है, मेयर के साथ एकदम बहन के जैसा मेरा संबंध है, और राजेश वर्मा जो ड्यूटी मेयर हमारे हैं वो हमारे एकदम छोटा भाई है। कुछ दिन पहले विधायक के जब टिकट लेके आए थे, हम अपना घर में आरती और तिलक सब किए हैं, तो बताइए जिनको हम अपना भाई और बहन मानते हैं कि अगर उनके साथ हम गद्दारी करेंगे तो ऊपर भी एक अदालत है, हमको कहीं भी शरण नहीं मिलेगा, इसलिए हम मर सकते हैं लेकिन कभी मेयर और ड्यूटी मेयर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। करना चाह रहे थे लेकिन दबाव डाला जा रहा था, आज मॉर्निंग में जब घर पे सर आ गया तो हम कर दिए हैं, लेकिन हम इनके साथ हैं, इनसे बात करके हम किए हैं। किस तरह का दबाव? अब दबाव हर चीज़ बताना जरूरी नहीं है, इतना ही काफ़ी है कि दबाव डाला गया था।
दबाव दबाव डालने के पहले हम इनसे बात सवेरे भी किए हैं, उसके बाद हम और साइन किए हैं। इस तरह का दबाव था ऐसा कुछ विकास को लेकर जब आप निर्वाचित हुए हैं तो किसी के दबाव में आप जनता के खिलाफ भी जा सकते हैं? तो अगर कर भी दिए हैं उसे कोई मतलब नहीं है, कर दिए हैं फिर भी हम इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मतलब धोखा कहें या क्या कहें उसको? कुछ भी नहीं किया बोला जा सकता है, हम इनके साथ हैं। कौन दबाव बनाते हैं? अब ये बताना जरूरी नहीं है, काफ़ी है, समझ गए होंगे आप लोग भी, समझदार समझ गए होंगे, यहाँ पे जितने लोग हैं वो लोग भी समझ गए होंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। खुशबू कुमारी। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर संजय चौधरी को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट पर काला पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी कुलपति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर संजय चौधरी पर हुए कई संगीन आरोप लगाते हुए बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल से उन्हें जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्वविद्यालय का कुलपति पद जो कि संदिग्ध के घेरे में खड़ा है, जहाँ की आप जानते हैं वो TNB कॉलेज के प्रचार रहे हैं, वहाँ वो कितने भ्रष्टाचार का आरोप है उन पे जो सिद्ध हुआ है। आने वाले समय में वो कुलपति बने हैं। अभी हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं निष्पक्ष जांच कर, इस पर जांच कर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर, जल्द से जल्द निर्णय दे। जो कि आज हमारे सामने आ रहा है कि वो प्रोफेसर भी नहीं है यहाँ के, तब भी प्रभारी विषय हैं। इस स्थिति में हम मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से कि निष्पक्ष जांच करे और जल्द से जल्द फैसला देकर इस पर छात्र को संतुष्ट करे। कुणाल पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। भागलपुर, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार, मिनी ट्रक जब्त। भागलपुर के जगदीशपुर में बुधवार को एक मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी गई है। बता दें कि थाना क्षेत्र के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर सनोला मोड़ के निकट पुलिस चेक पॉइंट पर एक मिनी ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, तो मिनी ट्रक में लोड संतरा के पेटी के नीचे छुपा कर रखा गया करीब 200 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया है। शराब के सभी बोतल पर लेवल पारामिलिट्री को सप्लाई हेतु लिखा हुआ पाया गया। शराब के साथ मिनी ट्रक का चालक बोकारो जिला अंतर्गत चायबासा थाना निवासी शिव कुमार तथा गाड़ी में बैठा एक अन्य शख्स सहरसा जिला अंतर्गत बनगांव थाना क्षेत्र के कौआमनी निवासी बिट्टू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बिट्टू सिंह का कहना है कि हम दादी के वार्षिक श्राद्ध में जा रहे थे, गाड़ी नहीं मिलने के कारण रास्ते में हम एक मिनी ट्रक पर बैठ गए, मुझे नहीं मालूम था कि इसमें क्या लोड हुआ है। नवगछिया, विदेशी शराब भरा जाइलो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटा। भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत 14 नंबर सड़क के किनारे तेलगी गांव के समीप सुबह के समय महिंद्रा की जाइलो गाड़ी पुलिस के गश्ती गाड़ी को देखकर भागने लगी। भागने के क्रम में गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलटी मार दी। गाड़ी गिरने के बाद गाड़ी में भरे विदेशी शराब की बोतलें बिखर गई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक मौके का फायदा उठाकर गाड़ी का ड्राइवर भागने में सफल रहा। वहीं बिहपुर इंस्पेक्टर नर्मदेश्वर चौहान और थाने के दरोगा प्रभास दलबल के साथ पहुंचे और बिखरे हुए बोतल को जब्त कर थाने ले आकर गाड़ी मालिक के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया कर दी। नवगछिया, संजू और सुनीता देवी हत्याकांड में SP ने किया दावा, 24 घंटे के अंदर होगा मामले का खुलासा। नवगछिया के बिसाई टोला निवासी संजू देवी हत्याकांड में नवगछिया के SP स्वप्नाजी मिश्राम ने दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। गुरुवार को SP ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली है। घटनास्थल पर SP ने पशु चिकित्सालय के कर्मियों और चिकित्सक से भी बातचीत की, तो आसपास के लोगों को और सबसे पहले शव को देखने वाले चरवाहों से भी पूछताछ की गई है। नवगछिया SP ने बरामदगी के वक्त शव की स्थिति की भी जानकारी पुलिस पदाधिकारी से लिया है। नवगछिया के SP ने बताया कि पुलिस इस घटना में बेहद करीब है और 24 घंटे के अंदर सब कुछ साफ होगा। इधर सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस मामले में पुलिस ने भागलपुर के बरारी से आकाश नाम के युवक को हिरासत में लिया है।
सूत्रों ने यह भी बताया कि आकाश के पास से संजो देवी का मोबाइल भी बरामद किया गया है। बात यह भी सामने आ रही है कि इस हत्याकांड में आकाश भी संलिप्त है। घटना के बाद उस युवक ने भागने के बजाय संजो देवी के घर पर ही रहा। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ नौगछिया के स्टेशन रोड निवासी रोमन कुमार और सिंटू कुमार भी पुलिस के रडार पर है। हत्या के कारण अवैध संबंध या पैसे के लेन देन के सवाल पर नौगछिया एसपी ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का भी इंतजार है। 24 घंटे के अंदर पूरी कहानी सामने होगी। इधर गुरुवार को देर शाम मृतका के कई परिजनों को थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दूसरी तरफ जानकारी मिली है कि मृतका के पति किशोर पासवान बेंगलुरु से रवाना हो चुके हैं और वे शुक्रवार को नवगछिया पहुंचेंगे। नवगछिया जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण। डिवाइन विजन एनजीओ के द्वारा नौगछिया के नया टोला पुनामा प्रताप नगर में वर्षा के पानी से प्रभावित हुए जरूरतमंद लोगों के बीच राशन का वितरण किया गया। राहत सामग्री में 5 किलो चावल, 2 किलो चना दाल, 5 किलो आटा, 2 डब्बा बिस्कुट, 1 डब्बा करू तेल, 2 पीस साबुन, हल्दी मसाला इत्यादि दिया गया। वही मौके पर डिवाइन विजन के सचिव अरविंद कुमार, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी फाइटर जेम्स समाज सेवी गौतम यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की मनाई गई जयंती। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रखर स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती नौगछिया के अलग अलग स्थानों पर श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। नौगछिया के गौशाला रोड नौगछिया स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में नौगछिया जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद सिंह निषाद के नेतृत्व में नौगछिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक मनाया गया। इसके अलावा नौगछिया अनुमंडल के कई स्थानों पर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गयी। नवगछिया 81 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिला के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को मास्क चेकिंग अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 81 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया है। सभी से पुलिस ने कुल 4,450 रुपए जुर्माना वसूल किया है। जांच अभियान के दौरान 4 दोपहिया वाहन से 3,000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया बाजार में फायरिंग मामले में एसपी ने गंभीर पदाधिकारी को दिया जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करने का निर्देश। नवगछिया बाजार में चैती दुर्गा स्थान के पास मुख्य सड़क पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को नवगछिया एसपी ने काफी गंभीरता से लिया है। नवगछिया के एसपी स्वप्ना जी मिश्रा ने कहा कि मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है और संबंधित पदाधिकारी को जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया है। नवगछिया के एसपी ने कहा कि नौगछिया बाजार में गश्त को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई गई है। इस रणनीति में पुलिस वाहनों से और पैदल भी गश्त करती नजर आएगी। नौगछिया एसपी ने कहा कि जिसने भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, तो दूसरी तरफ जो भी पुलिस पदाधिकारी लापरवाही पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि बुधवार की दोपहर 12:30 बजे नौगछिया बाजार में फायरिंग होने का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में नौगछिया थाने में गोविंद शर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें अमित कुमार पांडे को नामजद किया गया है। दूसरी तरफ शहीद टोला और नौगछिया धर्मशाला रोड के आसपास के मोहल्ले में कुछ लड़कों पर पुलिस की नजर है। सूचना है कि ऐसे लड़के कई तरह के आपत्तिजनक कार्य में संलिप्त हैं। मुरली सब्जी व्यवसायी लूटकांड गिरफ्तार अपराधी मोहम्मद हेरू को भेजा गया जेल। तेतरी में ग्रामीणों द्वारा दबोचे गए दोनों अपराधियों में भागलपुर के साचक निवासी मोहम्मद हेरू को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मालूम हो कि एक अपराधी मधेपुरा के पुरैनी थाना क्षेत्र रसूल टोला चंदा निवासी फतेह आलम को पुलिस ने बुधवार को ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मोहम्मद हेरू को पुलिस अभिरक्षा में भागलपुर मायागंज में इलाजरत होने के कारण बुधवार को उसे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सका। बुधवार की देर रात हेरू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी जिसके बाद उसे नौगछिया थाने में रखा गया था। देर रात करीय वरीय पुलिस पदाधिकारी ने मोहम्मद हेरू से सघन पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में हेरू ने कई राज का खुलासा पुलिस के समक्ष किया है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए।
फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303767170। नवगछिया, इस्माइलपुर के चंडी स्थान में लगी आग, एक घर जलकर हुआ राख। इस्माइलपुर प्रखंड के चंडी स्थान निवासी सागर मंडल के घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। एकाएक आग लग जाने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, वहीं सदस्य बाल बाल बच गए। ग्रामीण सुबोध कुमार जितेंद्र मंडल, सकलदेव प्रीतम ने अपने जान पर खेलकर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। अगलगी में 1.5 लाख रुपए के सामान जलकर राख हो जाने की बात कही जा रही है। स्थानीय स्तर से मामले की जानकारी इस्माइलपुर के सीओ को दी गई है। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303767170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437।